आती है इजी मनी मेकिंग की, तब तो पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है। दोस्तों पैसे सबको चाहिए होता है और पैसे है तो इज्जत है। बिना पैसे के कोई हिसाब भी नहीं करता आज के दिन में। और जो पैसे मैंने कमाए हैं ऑनलाइन, मैं चाहता हूं कि आप भी कमाएं। यहां पे आप सिर्फ 300 रुपया इन्वेस्ट करके लाखों रुपया कमा सकते हो और ये बिल्कुल भी लीगल है। यहाँ पे डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं। और यदि आप भी कमाना चाहते हैं पैसे पार्ट टाइम काम करके, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ साथ आपको ये वेबसाइट खुलेगा और ये वेबसाइट खुलने के बाद में आपको ज्वाइनिंग करना होगा। और ज्वाइनिंग करने से पहले मैं आपको क्या प्लान है, क्या कंसेप्ट है इसका, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं। तो मैं अपना डैशबोर्ड में चले आता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा डैशबोर्ड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल अर्निंग है 500 रुपीज। एक्चुअली मैंने अपना दोस्तों को बताया था ये साइट के बारे में और सारे कंसेप्ट को मैंने क्लियर करवा दिया, तो उन लोगों ने साथ ही साथ ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो कि 5 ज्वाइनिंग हुआ तो मुझे यहाँ पे 500 रुपीज मिल गया। तो मैं चाहूँ तो इसे विदड्रॉ भी कर सकता हूँ, तो फिलहाल मैं इसे नहीं करूँगा। तो चलिए मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली आपको करना क्या है। तो दोस्तों ये है प्लान। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ आपको 300 रुपया देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे रिफर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ये आप हो और इसके नीचे आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो उसके नीचे जितने भी आते हैं, नीचे आपके नीचे जितने भी आते हैं, वो सारे के सारे आपके अंडर में आ जाएंगे। यानी कि ये आप हो, आपने ज्वाइन किया और आपके नीचे 15 यहाँ पे है, तो आपको उसके 1500 आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ये मैं हूँ और उसके बाद ये नीचे आपने ज्वाइन किया और यहाँ पे कोई दूसरा बंदा ने ज्वाइन किया और यहाँ पे तीसरा बंदा ने ज्वाइन किया और उसके बाद में मेरे ही रेफर आईडी से कोई भी बंदा फिर से ज्वाइन करता है तो वो आपके नीचे आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलाइन आपके नीचे ही आ जाएगा। मेरे रेफर से करने से भी, आपके रेफर से करने से भी, ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलाइन के अंडर ही आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा फायदेमंद है, यानी कि मैं लिंक को शेयर कर रहा हूं और आपके नीचे डाउनलाइन आ जाता है, तो ये बहुत ही सही बात है। तो दोस्तों जितने जल्दी हो सके आप ज्वाइनिंग करती हो तो आपको यहाँ पे फायदा है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ये वीडियो खत्म होने के साथ साथ आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी जो पहला ज्वाइन करेगा और उसके बाद जो भी ज्वाइन करता है वो आपके नीचे ही आ जाएगा, तो आपको इसमें बहुत ही बड़ा सा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे नीचे पे प्लान है, आप देख सकते हो डाउनलाइन लेवल है ये। यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आप 3 कंप्लीट करते हो, यहाँ पे आपको 300 रुपये मिलते हैं। सेकेंड लेवल में आपका 9 कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे 900 रुपये मिलते हैं। और उसके बाद थर्ड लेवल में आप यहाँ पे 27 कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे 2700 रुपये मिलते हैं। और उसके बाद आपको अपना प्लान जो है वो अपग्रेड करना होगा, 600 रुपये आपको फिर से ये कंपनी में डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद आप फोर्थ लेवल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल होने के बाद 81 आपका कंप्लीट होता है, आपको यहाँ पे 8100 मिलता है। जैसे आपका लेवल बढ़ती जाता है आपके लोग भी बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हो कि सिर्फ 3-3 बंदे ज्वाइन होते हुए जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19 लाख रुपया आप यहाँ पे कमा सकते हो। तो दोस्तों 19 लाख जो है ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है और बहुत से लोग ये कमा भी रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपया इन्वेस्ट करके। तो ये बहुत ही बड़ा सा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। यदि आप भी पैसे कमाना चाहते हैं तो ये साइट बहुत ही बढ़िया सा साइट है, ये जेन्युइन साइट है। इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ज्वाइनिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने नीचे लिंक देखे रखा है दोस्तों, उसे आप क्लिक कर लीजिएगा। नीचे आपको ज्वाइन हियर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको ये साइट खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आपका नाम डालना है। जैसे सपोज कि आपका नाम जो है वो राहुल कुमार है, तो आप राहुल ऊपर दे दीजिए, नीचे कुमार दे दीजिए, मेल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कंट्री कोड में IN इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तो उसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करना होगा। सपोज आपका नाम राहुल कुमार है तो राहुल कुमार आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा।
यहाँ पे आपको बता रहा है कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि कोई दूसरा बंदा ये यूजर नेम को ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो ये आप चला नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपली आप 1 डाल दीजिए चेक करने के लिए कि अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड वो डालिएगा जो आपको याद रखने में आसानी हो। आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो या फिर आप कोई भी पासवर्ड बना के डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो मैं अपना मोबाइल नंबर ही दे देता हूँ जो मुझे आसानी रहेगा याद करने में। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा प्राइम 300, ये सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे इनवाइटेड बाय RAJCHETRI, ये रहना जरूरी है क्योंकि ये मेरा रेफरल है, ताकि कोई भी बंदा आपके नीचे आए तो उसका कमीशन आपको मिल पाए। तो ध्यान रहे कि ये रहना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे पिन आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिंपली आपको यहाँ पे कैरेक्टर टाइप करना है जो आपको ये रोबोटिक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कैप्चा, ये डाल दीजिएगा यहाँ पे। ये डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिए जो भी आपने डाला है सारा कुछ सही है या नहीं। और ये डालने के बाद आपको ध्यान में रखना होगा कि ये यूजर नेम जो आपने दिया है इसे एक जगह पे आप कॉपी करके रख लीजिए, ताकि बाद में जाके आपको जब लॉगिन करना होगा तब आपको आसानी होगा। तो उसके बाद अभी आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलकम टू IMOA रूटीन, योर अकाउंट इज क्रिएटेड। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली ये आपका डिटेक्ट हो चुका है, ये आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है जो पासवर्ड आपने बनाया था। तो अभी आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट पे एक्सेस हो जाएंगे, और अकाउंट में एक्सेस होने के बाद अभी आपको कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो आपको पूरा करना होगा। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स जो है वो भरना होगा। यहाँ पे आप इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, चलिए मैं ये इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, मैं अपना ही स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेरा डिटेल डाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाउ डू यू वांट टू रिसीव योर कमीशन, आप अपना कमीशन किस प्रकार से रिसीव करना चाहते हैं, बैंक ट्रांसफर के जरिए से या फिर पेटीएम ट्रांसफर के जरिए से। यदि आप बैंक ट्रांसफर के जरिए से करना चाहते हैं तो आपको अपना यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भरना होगा, या फिर पेटीएम के जरिए से करते हैं तो आपको यहाँ पे पेटीएम का डिटेल डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हो माई पेटीएम नंबर, पेटीएम नंबर, उसके बाद अपना यहाँ पे जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सेव करना होगा, और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर लेते हैं आपका डिटेल्स जो है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डिटेल्स जो है वो सेव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो राहुल कुमार वन आपका ये यूजर नेम है, प्लान प्राइम 300, और यहाँ पे आपका नंबर और प्लस यहाँ पे आपका अर्निंग जो है अभी फिलहाल ये जीरो है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ई वॉलेट बैलेंस भी आपका जीरो है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको पेमेंट जो है वो आपको ट्रांसफर करना होगा, आप पेटीएम के जरिए से पेमेंट भेज सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको ये एक्टिवेट करने के लिए आपको 300 रुपया जो है ये कंपनी के अकाउंट में आपको 300 रुपये भरना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे जाना होगा, पेमेंट ऑप्शन पे आप चले जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो IDBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिया गया है। तो अभी आपको क्या करना है, यदि आप पेटीएम के जरिए से करना चाहती हो तो पेटीएम से आसानी के साथ कर सकती हो। यहाँ पे आपको सिंपली आपको पासबुक पे क्लिक करना है, पासबुक पे क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे सेंड मनी टू बैंक का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो ये ऊपर में ट्रांसफर दिखाई दे रहा है सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अभी अमाउंट डालना होगा, 300 अमाउंट डाल दीजिएगा। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेट पेएबल, यानी कि 6 रुपीज जो है ये पेटीएम चार्जेस करता है आपका। उसके बाद अकाउंट होल्डर्स नेम पे FS मार्कॉम प्राइवेट लिमिटेड डाल दीजिए जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद IFSC कोड डाल दीजिए। IFSC कोड डालने के साथ साथ आपको यहाँ पे वेरीफाइड दिखाई देगा, ये वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है ये आप नहीं डालने से भी हो जाएगा, ये इसे कुछ भी मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक कर लेते हैं आपको ये पॉप अप खुलेगा और यहाँ पे आई कंफर्म पे मार्क कर दीजिए, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे OTP का ऑप्शन आएगा, आपका मैसेज में आपको OTP मिल जाएगा, वो OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पेमेंट जो है वो डन हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको
पेटीएम के होम पे चले जाइए। होम पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको पेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही स्क्रीनशॉट को आपको व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप आपको करना होगा ये नंबर पे, कॉन्टेक्ट आस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसे आप सेव कर लीजिए अपना मोबाइल में। और सेव करने के बाद आपको व्हाट्सअप करना होगा उन लोगों को, आपका जो यूजर आईडी है यहाँ पे आप देख सकते हो, माय होम पे आप चले जाइएगा और यहाँ पे जाने के बाद आपका जो ये यूजर आईडी है, ये मेंबर आईडी जो है और आपका ये यूजर नेम जो है, ये आप उसे व्हाट्सअप कर दीजिए और साथ ही आप वो जो स्क्रीनशॉट है वो भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा और उन्हें बता दीजिए कि आपने आईडीबीआई बैंक में डाला या फिर आपने एसबीआई में डाला, वो बता दीजिएगा। तुरंत ही वो आपके अकाउंट को जो है, आपका आईडी जो है उसे एक्टिवेट कर देगा, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे डाउनलाइन बनाने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी के साथ अपना आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट करके आप डाउनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना तक हो सके आप जल्द से जल्द जो है ये ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मेरे नीचे जितने भी आएंगे वो आपके नीचे ही आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यदि आप आपके अकाउंट के जरिए से किसी को ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे ऑनलाइन अपना अकाउंट पे ही रहते हुए ही आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो आप यहीं से अपना अकाउंट से किसी को भी आप ज्वाइनिंग करवा सकती हो यहाँ से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आसानी के साथ यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो को जितना तक हो सके आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ही लोगों को पता चलेगा और वो ज्वाइनिंग करेंगे और आपका रेफरल से